नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनिंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा है कि कांग्रेस में रहते हुए जो लोग भाजपा से डरते हैं उनकी उन्हें कोई ज़रूरत नहीं, उन्हें उनकी पार्टी को कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोगों को पार्टी से बाहर निकलने को कह देना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि हमें RSS की आइडियोलॉजी में भरोसा करने वाले लोग नहीं चाहिए। पार्टी के सोशल मीडिया डिपार्टमेंट की मीटिंग में राहुल ने कहा कि कांग्रेस से बाहर के जो लोग निडर हैं वही हमारे हैं और हम उन्हें पार्टी में लाना चाहते हैं। ऐसा कह कर के उन्होंने कुछ ऐसे लोगों को संकेत दिया जो पार्टी में रह करके उनसे कहना चाहिए कि उनके मनों में कुछ और है, पार्टी के लिए कुछ और है। और उन्होंने एक मैसेज ये भी दिया कि जो पार्टी में नहीं है, जो फिलहाल कांग्रेस में नहीं है और जो कांग्रेस में आना चाहते हैं, ये कह करके उन्होंने उनको एक मौन सा निमंत्रण भी दिया है। नागालैंड के कांग्रेस सांसद उत्तम कुमार रेड्डी ने सोशल मीडिया में शुक्रवार को राहुल गांधी का एक वीडियो शेयर किया। वीडियो में राहुल कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो डर नहीं रहे हैं, जो कांग्रेस के बाहर हैं, वे सब हमारे हैं, उनको अंदर लाओ। और जो हमारे यहाँ डर रहे हैं उनको पार्टी से बाहर निकालो। चलो भैया जाओ, RSS के हो, भागो, मजे लो। ऐसे लोग हमको नहीं चाहिए, हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, हमें निडर लोग चाहिए। ये हमारी आइडियोलॉजी है, ये मेरा बेसिक मैसेज है। और उन्होंने एक महात्मा गांधी का कोट भी शेयर किया है। राहुल का वीडियो शेयर करते हुए रेड्डी ने लिखा कि ये महात्मा गांधी के कदमों पर चलने की मिसाल है, ये भाजपा RSS के हेट एजेंडा को दिया गया जवाब है। उन्होंने गांधी जी का कोट भी शेयर किया जिसमें उन्होंने कहा कि हम समझते हैं कि हमारा दुश्मन नफरत है, लेकिन असल दुश्मन हमारा डर है। तो दोस्तों, ये राहुल से जुड़ी हुई खबर थी। आपको मेरा कंटेंट कैसा लगा, मुझे आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय शेयर कीजिएगा। मुझे इंतज़ार रहेगा आपके राय का। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो ज़रूर से कर ही सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।